Bismillahirrahmanirrahim. Second year physics, chapter number 17, solid state physics, lecture number 1. I am Shoaib Arshad, lecturer of physics. Aaj ka jo hamara topic hai, mechanical properties of solid ke bare mein hai. To mechanical properties of solid ke andar hum uski movement, solid ki movement ke bare mein padhte hain. कि जैसे कि हम अगर एक बैलून को अपने हाथ में से पकड़ें और उसको दबाएं तो उसकी शेप और वॉल्यूम चेंज हो जाएगा. तो जो फोर्स एक्ट करेगी उसकी डायरेक्शन सारी तरफ से होगी, तो जो वॉल्यूम इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा उसकी सेम कंडीशन रहेगी हर तरफ से. जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगी उतना ज़्यादा किसी भी चीज़ का वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा. तो जब किसी चीज़ का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो उसकी शेप में भी क्या आ जाएगी, चेंजिंग आ जाएगी. तो लास्ट में लिखा हुआ इन क्रिस्टलाइन सॉलिड एटम्स आर यूजुअली अरेंज्ड इन अ सर्टेन ऑर्डर. तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उसमें एटम्स एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं. तो इन एटम्स के दरम्यान कोहेसिव फोर्स होती है जो इन्हें आपस में चिपकाए रखती है. तो जब हम किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस डालते हैं, तो जब हम फोर्स डाल रहे हैं इसका मतलब हम बोलेंगे उसके ऊपर हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं. जब स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो उसकी जो ओरिजिनल लेंथ होगी उसमें चेंजिंग आ जाएगी, तो उसको बोलेंगे स्ट्रेन. तो आज के लिए हमारा यही टॉपिक था. तो आगे इसकी डेफिनेशन है, डिफाइन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. और इसकी डिफरेंट तरह की टाइप्स हैं, स्ट्रेस की भी और स्ट्रेन की है. तो आप सब स्टूडेंट ने ये चीज़ें याद रखनी हैं, उनको तैयार करना है.